सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टैग वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को बजाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्ट्रगलर के बारे में, उनकी स्ट्रगल से लेकर के सक्सेस तक की कहानी पे आज हम रोशनी डालेंगे, कैसे वो स्टार बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत गरीब किसान परिवार के थे जो मुजफ्फरपुर जिले के बुरहाना गांव में रहते थे। उनके 7 भाई बहन थे। उनके गांव में 12वीं तक का स्कूल ही था और उन्हें आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। अब शहर में उनके पास ग्रेजुएट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनके परिवार में उनको कुछ नया कोर्स करने की सलाह देने वाला कोई नहीं था। अब उनको ये तो पता था कि केवल ग्रेजुएट होने से कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसी कारण उनको काम की तलाश में दर बदर भटकना पड़ता रहा। अब उनके पास गांव से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था क्योंकि गांव में खेती के अलावा कोई काम नहीं होता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बचपन में कभी फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन व्यस्त होने पर उनके दोस्त उन्हें फिल्म दिखाने ले जाया करते थे। उन्होंने पहली कोई फिल्म देखी थी तो उसका नाम दोषी था, जो अंधे और लंगड़े दोस्तों की कहानी थी। फिल्म देखने के लिए उनके गाँव से 45 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता था। उनका गांव में फिल्में देखने नहीं दिया करते थे क्योंकि गांव में फिल्म देखना एक बुरी बात मानी जाती थी। अब उनके गांव में फिल्में देखने वालों को आवारा समझा जाता था, इसी कारण वो इस श्रेणी में नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो फिल्म देखेंगे तो लोग उन्हें भी आवारा बुलाएंगे। उनको फिल्मों में केवल धर्मेंद्र के अलावा किसी भी अभिनेता के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय जिस थिएटर में वो फिल्म देखने जाया करते थे वहाँ ज्यादातर सी ग्रेड की फिल्में लगती थी और दोस्तों के कहने पर केवल ऐसी फिल्में ही देखते थे। वैसे तो उनके गांव में फिल्मों को बुरा मानते थे, फिर भी त्योहारों के वक्त उनको हर काम की छुट्टी होती थी तो उनको गाँव का एक सब्जी वाला फिल्म दिखाने ले जाया करता था। वो सब्जी वाला नवाजुद्दीन के सभी दोस्तों से टिकट का पैसा इकट्ठा करता था और सबको साथ ले जाता था। उन्होंने गांव से शहर आने के बाद नौकरी की काफी तलाश की थी, लेकिन उनकी किस्मत में नौकरी करना लिखा ही नहीं था। इसी कारण कई नौकरियां भी मिली और कई नौकरियां छोड़नी भी पड़ी। उन्होंने बड़ौदा में एक केमिस्ट की दुकान पर भी काम किया था। उसके बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए थे। उनको दिल्ली में एक खिलौने बनाने वाली कंपनी में चौकीदार की नौकरी भी मिली। उन्होंने पढ़े लिखे होने के बावजूद किसी भी काम को छोटा नहीं समझा था, लेकिन उनको पता था कि उनका अच्छा समय अभी नहीं आया है और बहुत जल्द आएगा। एक दिन दिल्ली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दोस्त उनको एक नाटक दिखाने के लिए लेकर गए। उस नाटक का नाम उलझन था, जिसमें मनोज वाजपेयी भी कलाकार थे। ये उनके जीवन का पहला नाटक उन्होंने देखा था। अब 2 से 3 सालों के संघर्ष के पश्चात उस नाटक को देखने के बाद उनका रुझान फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ा। इसके बाद उन्होंने कई नाटक देखना शुरू कर दिया, जिससे उनको लगा कि उनमें ऐसे नाटक करने की क्षमता है। 1993 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। नाटकों में पहली बार उनको मुख्य कलाकारों के पीछे भीड़ में रोल दिया गया था। अब उन्होंने थिएटर करने की ठान ली थी और उस समय मुंबई न आने का फैसला कर लिया था। 1996 में एनएसडी से पास होने के बाद उन्होंने नुक्कड़ नाटक करना शुरू कर दिया था, जिसमें किसी भी ब्रांड का विज्ञापन करते थे। उन्होंने 3 से 4 साल तक यूं ही नुक्कड़ नाटक करके थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके लिए इतनी कमाई पर्याप्त नहीं थी। अब उन्होंने सोचा कि ऐसी गरीबी में जीने के बजाय मुंबई में चलना बेहतर होगा। अब उन्होंने बॉम्बे का रुख किया और बॉम्बे आ गए। अब उन्होंने यहाँ स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। वो कभी कभी निराश होकर वापस अपने गाँव लौटने की सोचते थे, लेकिन फिर उनको विचार आता कि वापस गांव जाकर तो खेती ही करनी पड़ेगी और गांव के लोग अलग मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने कई छोटे छोटे धारावाहिकों में काम भी किया, जिसमें मुंबई में उनका खर्चा पानी निकल जाता था। अब उनको एक कम बजट वाली फिल्म बिंदिया मांगे बंदूक में काम मिला, जिस उन्होंने रचा मुराद के पीछे छोटे मोटे डाकू का किरदार किया था। शुरुआती फिल्मों में उन्हें चोर या गरीब का रोल दिया जाता था और उनके डायरेक्टर कहते थे, अरे ये गरीब दिखता है, इसको गरीब का रोल दो।
को क्या पता था कि यही गरीब एक दिन बॉलीवुड में तहलका मचा देगा। 2004 उनके जीवन के संघर्ष का सबसे बुरा साल था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने मकान का किराया तक नहीं चुका पाए थे। इस कारण उन्होंने अपने एनएसडी सीनियर के साथ रहने के लिए पूछना पड़ा। उनका सीनियर नवाज को साथ रखने को तो राजी हो गए थे, लेकिन उसके बदले नवाज को उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नवाज को बॉलीवुड में पहला रोल आमिर खान के फिल्म सरफरोश में मिला था, जिसमें उन्होंने चोर का किरदार निभाया, जिसके एक दृश्य में आमिर खान पूछताछ के दौरान खूब पीटते हैं। इसके बाद उनको मुन्ना भाई MBBS में एक छोटा रोल मिलता है, जिसमें वो सुनील दत्त का बटुआ चुरा लेते थे। इस दृश्य में भी उनको खूब मारा पीटा गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नवाज को पहला दमदार अभिनय अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में मिला, जो 2007 में रिलीज हुई थी। उनको पहला मुख्य रोल पतंग फिल्म में मिला था, जिसमें उन्होंने एक वेडिंग सिंगर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना की गई। इसके बाद उनको देव जी फिल्म में एक कैमियो रोल मिला, जिसमें वो इमोशनल अत्याचार गाना गाते हुए दिखाए जाते हैं। पहली बार उनको एक एक्टर के रूप में पहचान मिली। पीपली लाइफ फिल्म में मिली उनको पहली पहचान, जहां पे वे एक पत्रकार का किरदार निभा रहे थे। इसके बाद 2012 में उन्हें कहानी फिल्म में ऑफिसर खान का किरदार निभाने को मिला। इसके बाद अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी रातों रात एक मेगा स्टार बना दिया। इसके बाद 2013 में उन्होंने हॉरर फिल्म आत्मा में काम किया और फिर आमिर खान के फिल्म तलाश में काम किया। 2015 में उनके सितारे बुलंद हुए और उन्हें बजरंगी भाईजान और मांझी फिल्म में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। इन्होंने अंजलि से शादी की और उनके एक लड़की और एक लड़का है। 2016 और 17 के लिए भी उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली हैं। इस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी नवाजुद्दीन हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता बन गए, इस समय संघर्ष के दौर में अर्श से फर्श पर पहुंच गए। ये थी कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टैग वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को बजाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए।